तो टूडे आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज एट पॉइंट वन एंड वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन वी हैव ऑलरेडी डन द टाइप ऑफ क्वारेटर्स पैलेलोग्राम्स उनकी थियोरम्स जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ क्वारिलेटर आर इन द रेशो फाइंड ऑल द एंगल्स इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी एट्थ में कर भी चुके हैं और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है क्योंकि चारों एंगल पे बात हुई है तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर लिखा सबसे पहले मैंने अब एंगल रेशो में है देखो रेशो में गिवन है ना तो रेशो में कभी भी गिवन हो तो एक वेरिएबल साथ लिया जाता है तो हमने क्या लिखा लेट एंगल्स इक्वल्स टू क्या हुए एंगल थ्री एक्स फाइव एक्स नाइन एक्स एंड थर्टीन एक्स हो गया फिर उसके बाद क्या आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कंप्लीट लिखना है आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्वारेटर ठीक है कंप्लीट लिखने के बाद आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है बस आपको हेडिंग लिखनी है बाय एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वारेटरल थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस थर्टीन एक्स इक्व टू थ्री सिक्सटी ठीक है देखा आपने कि हमने क्या लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों का सम आ गया हमारे पास अब चारों का सम कितना आएगा वो टोटल आपको ऐड करके लिखना है ऐड करके जो भी आएगा उसको थ्री सिक्सटी से डिवाइड करना है दैट विल बी द आंसर ठीक है ऐड करें फाइव प्लस थ्री एट एट और नाइन सेवेंटीन सो ये बना सेवेंटीन एक्स प्लस थर्टीन एक्स तो यहाँ से आ गया थर्टीन एक्स इक्व टू थ्री सिक्सटी यहाँ से सॉल्व करके कितना आया थर्टी एक्स इक्व टू थ्री सिक्सटी डिग्री दिस एम्प्लाइज एक्स इक्व टू थ्री सिक्सटी अपॉन थर्टी तो एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेल्व तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है ट्वेल्व एक्स की वैल्यू ट्वेल्व आने के बाद आपको जो भी हमारे एंगल्स थे उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है दिस एम्प्लाइज एंगल्स इक्व टू थ्री एक्स सो थ्री इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स डिग्री फाइव एक्स फ़ाइव इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट एंगल क्या था हमारे पास नाइन एक्स सो नाइन इंटू ट्वेल्व वन ज़ीरो एट डिग्री और उसके बाद हमारे पास क्या था थर्टीन एक्स थर्टीन एक्स इक्वल्स टू थर्टीन इंटू ट्वेल्व दैट इज़ वन फिफ्टी सिक्स डिग्री तो ये चारों एंगल्स आ गए यही हमारे पास आंसर आ गया यही क्वेश्चन में पूछा था ये आपका बनता है इम्पॉर्टेंट किस सेंस में वन मार्क में ध्यान रखना है वन मार्क में आएगा ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा में नहीं आएगा तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए दैट यू हैव टू करेक्ट द क्वेश्चन इन वन मिनट और लेस देन वन मिनट उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है ठीक है ध्यान रखनी है चीज़ वन मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको क्वेश्चन के लिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ थ्योरम है तो वो आपको थोड़ा ध्यान से करनी है सेकेंड इज इफ द डाइगनल्स अब डायग्नल पे बात हो रही है ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल पैरेलोग्राम के डायगनल्स अगर इक्वल हो जाते हैं देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान देना है बस इजी है कोई टफ नहीं है इसमें कि अगर हमारे पास पैरले ग्राम के डाइग्नल इक्वल आ जाएँ तो हमें क्या करना है उसको रेक्टेंगल शो करना है अब ऑब्वियसली पैरेलोग्राम है तो पैरेलोग्राम के क्या होते हैं ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं ठीक अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर पैरेलोग्राम का एक एंगल 90 आ जाए तो वो क्या बन जाता है रेक्टेंगल बन जाता है तो हमारा बेसिक मोटिव क्या है हमें किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव करना है और एंगल को 90 कैसे प्रूव करेंगे पैरेलोग्राम के एडजसेंट एंगल्स का सम कितना होता है वन डिग्री तो वहाँ से वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे देखते हैं कैसे एक बार स्टार्ट करते हैं पैरलोग्राम से तो पहले कोई भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सपोज दिस इज़ माई पैरेलोग्राम ठीक है डाइगनस पे बात हुई है तो डायगनल ड्रा करने पड़ेंगे तो यहाँ पे हमने डाइगनल ड्रॉ कर दिया दिस इज़ द सेकेंड डाइगनल उसके बाद नेम दे दे देते हैं नेमिंग दी हमने दिस इज ए बी सी डी ओ पे डाइगनल कट हो रहे हैं ठीक है आपको दो ट्राइंगल इसमें से ऐसे चूज करनी है कि आपके पास एक कंप्लीट साइड कॉमन हो ताकि हम दोनों को सिमिलर दिखा सकें तो कुछ एंगल्स पे भी बात हो सके आपकी मर्जी है कोई भी दो ट्राइंगल आप ले सकते हो जब प्रोसीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अभी हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन और टू प्रूव गिवन में हमारे पास क्या है ए बी सी डी इज़ अ पैरलोग्राम ठीक है पैरेलोग्राम है तो हमारे पास क्या होगा डायगोनल क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं वेयर ए सी इक्वल्स टू बी डी उसी के साथ पैरेलोग्राम है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी वो चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर सकते हैं फिर आता है टू प्रूव टू शो बोला है तो हम लिखेंगे टू शो टू शो में हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल ठीक है ए बी सी डी को रेक्टेंगल शो करना है फिर आते हैं हम प्रूफ पे प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा पहले तो जो रिजल्ट हमें ध्यान है वो लिख लेते हैं रेक्टेंगल इज अ पैरेलोग्राम विद वन एंगल नाइन्टी डिग्री तो हमारे पास एक एंगल क्या होना चाहिए नाइन्टी डिग्री हमें ये प्रूव करना है ये रिजल्ट है ठीक है तो हम एक एंगल को नाइन्टी प्रूव करेंगे मैं यहाँ पे बी एंगल को 90 प्रूव करूँगी आप किसी भी एंगल से प्रोसीड कर सकते हैं अब देखो बी एंगल की बात करनी है तो मैं बी से सी वाली साइड या सी को कॉमन लेती हूँ तो कौन से दो ट्राइंगल्स लूँगी मैं यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया बी सी डी मैं सिर्फ आउटर हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे और साथ में बी सी साइड के साथ कौन सा ट्राइंगल है ए बी सी मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लूँगी ताकि मेरे पास बी सी वाली साइड कॉमन आ जाए तो अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल पे बात की मैंने अभी ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी ठीक है ए बी सी एंड डी सी बी तो यहाँ से आया ए डी ए डी नहीं ना ए बी से स्टार्ट किया हमने ए बी तो ए बी कितना आया डी सी तो इसको क्या लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम और ऑपोजिट साइड पैरेलोग्राम की क्या होती है आर इक्वल लिख दिया रीज़न हमने सेकेंड हमें क्या पता है बी सी विल बी इक्वल टू बी सी क्योंकि हमने लिया ही ऐसे है कि कॉमन आए कुछ ना कुछ हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या है ए सी इक्वल्स टू डी बी और ये क्या थे डाइग्नल थे जो कि इक्वल गिवन थे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुवेंट हो गई देअर फोर ट्राइंगल ए बी सी टू ट्राइंगल डी सी बी और रीज़न आ गया बाय एस 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 ठीक है लिख दिया एस 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 से सी पी सी टी से सारे पार्ट इक्वल होंगे दिस एम्प्लाइज एंगल ए बी सी टू एंगल डी सी बी बाय सी पी सी टी इसको फर्स्ट नेम दे दिया ठीक है यही एंगल क्यों लिया वो अभी आपको आगे दिखेगा देखो हम इस पर बात कर रहे हैं बी और ये सी इन दोनों पे बात हुई है आप देखो इन्हीं दोनों एंगल को अगर डी सी एक पैरल लाइन है ए बी एक पैरलर लाइन है और बी सी एक ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा वन एट्टी डिग्री तो यही लिखेंगे यहाँ पे नाओ ए बी पैरल टू डी सी कॉमा ट्रांसवर्सल क्या है हमारे पास बी सी इज अ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास क्या होगा दे फोर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री ठीक है सप्लीमेंट्री हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री हो गए तो इससे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल डी सी बी इक्व टू वन डिग्री और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्व टू वन डिग्री रीज़न आ गया बाय वन इसकी जगह पे मैंने ए बी सी पुट कर दिया ऊपर वाले इक्वेशन से तो यहाँ से मेरे पास क्या आया दिस एम्प्लाइज टू एंगल ए बी सी इक्वस टू वन एट्टी डिग्री और एंगल ए बी सी इक्वस टू वन एट्टी डिग्री बाई टू दैट इज़ नाइन्टी डिग्री और इसको एंगल बी लिखो ए बी सी लिखो ए की बात है तो एंगल बी कितना आ गया नाइंटी डिग्री देयर फोर ए बी सी डी इज द पैरेलोग्राम विद वन एंगल और एंगल कौन सा है एंगल बी इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री लास्ट में क्या लिखेंगे हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल यही हमें प्रूव करना था तो लास्ट में हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड ठीक है इजी क्वेश्चन था बस इतना ध्यान रखना है कौन सा ट्राइंगल हमें चूज करना है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री शो दैट इफ़ द डायग्नस ऑफ अ क्वाडिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल अगर क्वारडिलेटर के डायग्नल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे 90 डिग्री पे देन इट इज़ अ रोमबस। ये तो हमें पता ही है रोमबस की प्रॉपर्टी क्या होती है डाइग्नस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल तो अब स्टार्ट करते हैं ये भी थ्योरम का रिजल्ट है इसको एज अ रिजल्ट भी आप प्रूव कर सकते हो आगे यूज कर सकते हो अब डायग्नस की बात हुई है तो ऑब्वियसली डाइग्नस ड्रॉ करते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट डाइगनल दिस इज़ सेकेंड डाइगनल ठीक है हमें शो करना है ये रोमबस है पहले नेमिंग दे देते हैं दिस इज ए दिस इज़ बी हेयर इट इज़ सी एंड दिस इज डी ठीक है ये ओ एंगल है हमें ये नाइन्टी बताने कि चारों एंगल नाइन्टी होते हैं ठीक है नाइन्टी दे रखे हैं बताने नहीं हैं हमें क्या बताना है ये रोमबस है हमारे पास तो पहले जो जो चीज़ गिवन है वो सब लिखना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन गिवन क्या है आपके पास गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें क्या दे रखा है क्वाड्रिलेटरल सच दैट कैसे बोला है ए सी एंड बी डी यही है ना डाइगनल ए सी एंड बी डी बाईसेक्स ईच अदर एट राइट एंगल्स ठीक है तो ये सारी चीज़ें इलेबोरेट करके लिख देते हैं दिस इंप्लाइज बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब दो इक्वल पार्ट में ओ से सी ओ से ए ये सब इक्वल होगा ओ एक्वल्स टू ओ सी ओ बी इक्व टू ओ डी इसको फर्स्ट नेम दे दिया एंगल्स पे बात करनी है तो एंगल ए ओ बी इक्वस टू एंगल बी ओ सी इक्वस टू एंगल सी ओ डी इक्वस टू एंगल ए ओ डी और ये कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री इसको नेम दे दिया सेकेंड इक्वेशन ठीक है टू प्रूव में क्या आ जाएगा रोमबस प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस मतलब हमें क्या प्रूव करनी है इसकी चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है एक तरह से ठीक है प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा प्रूफ हमारा स्टार्ट होगा कि रोम्बस जो है वो एक पैरलोग्राम होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्यों प्रूव कर रहे हैं क्योंकि पैरेलल प्रूव करना हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ता है सारी साइड्स इक्वल करने की बजाय तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले ये स्टेटमेंट लिख देना रोम्बस इज अ पैरेलोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल तो रोमबस हमारे पास क्या होगा एक पैरेलोग्राम होगा जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं देयर फोर वी प्रूव फर्स्टली ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे ए बी सी डी को पैरेलोग्राम प्रूव कर देंगे तो यहाँ पे लिखना है ए बी सी डी इज अ पैरेलोग तो अब हम क्या प्रूव करेंगे सबसे पहले ए बी सी डी कोई पैरेलोग्राम है ये प्रूव करना है और फिर उसके बाद क्या प्रूव करेंगे एंड ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है पहले पैरेलोग्राम दिखाएंगे फिर उसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे तो अब स्टार्ट करते हैं पहले हम ट्राइंगल से कौन से ट्राइंगल लेंगे अब देखो हमें क्या करना है ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना है और ऑपोजिट साइड को ही इक्वल प्रूव करना है तो ऑपोजिट ट्राइंगल्स उठा लेते हैं आपकी मर्जी है ये वाला उठाओ आपकी मर्जी है ये वाला उठाओ लिखना हमें दोनों के लिए सिमिलरली करके तो मैंने क्या किया ऑपोजिट वाले ट्राइंगल उठाए ऑपोजिट ट्राइंगल क्या है मेरे पास इन ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी ठीक है इसमें हमारे पास क्या है ओ ए टू यहाँ लिख दिया गिवन साथ में क्या गिवन है ओ डी इक्वस टू ओ बी ये भी क्या है हमारे पास गिवन थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल ए ओ डी इक्वस टू एंगल सी ओ बी और इसका रीज़न क्या है इक्वस टू नाइन्टी डिग्री और ये भी क्या आ जाएगा गिवन बाय वन और टू जो नेम दिया था हमने इक्वेशन को तो आप देखो यहाँ से क्या बना देयर फोर ट्राइंगल एडी इज़ कॉन्ग्रुव टू ट्राइंगल सी ओ बी और रीजन आ जाएगा बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस ठीक है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हमारे पास देखो अब हमें किसकी जरूरत है पैरेलल दिखाना है तो पैरेलल के लिए हमें क्या करना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पे बात थी तो ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल होगा तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे तो इसलिए हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिखेंगे यहाँ पे तो मैंने लिखा एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी और रीज़न क्या आ गया बात साथ में सी पी सी टी ठीक है अब ये देखो फॉर साइड्स कौन सी साइड्स हैं अब यहाँ पे ए डी कॉमा बी सी विद ए सी क्या है ट्रांसवर्सल तो ये क्या बने हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स हैं इसको नेम दे दो कोई थ्री इक्वेशन जो थ्री में है आर इक्वल दे आर फोर लाइन्स क्या होंगी ए डी पैरल टू बी सी हो गया सिमिलरली आप दूसरे वाले दोनों ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकते हो ए बी पैरल टू डी सी हो गया दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरल कर दिया हमने पैरेलोग्राम प्रूव अब उसके बाद आ जाता है हमें क्या प्रूव करना है हमें साइड्स की बात करनी है साइड इक्वल प्रूव करनी है अब पैरेलोग्राम की ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती ही है हमें क्या प्रूव कर देना है एडजस साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है ये अगर इसके प्रू इक्वल प्रूव किया तो ये हमारे पास ए सी के इक्वल होता है सी डी हमारे पास ए बी के इक्वल होता है तो मतलब चारों इक्वल आ जाएंगी तो अब मैं कौन से दो ट्राइंगल्स चूज़ करूंगी अब मैं चूज कर रही हूँ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्यों क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है तो लिखते हैं नीचे ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल लिया अब हमने नाव अब हमने लिखा इन ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी ठीक है दोनों में आपको दिख ही रहा है ओ ए टू ओ सी गिवन आ गया ओ डी टू ओ डी रीजन आ गया कॉमन साथ में हमारे पास क्या आया एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी और ये भी हमने क्या लिख दिया गिवन क्योंकि गिवन में था नाइनटी के इक्वल देअर फोर ट्राइंगल किसके किसकेग्रोवेंट हो जाएगा सी ओ डी के बाय एस एस अगर कॉन्ग्रोवेंट हैं तो सी पी सी टी से क्या होगा दिस इंप्लाइज ए डी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी अब दो साइड्स एडजस्टेंट इक्वल आ गई बट ए डी इक्वल है हमारे पास ए डी इक्वल दे रखा है सी बी के एंड सी डी इक्वल है ए बी के ठीक है लिख दिया यहाँ पे रीज़न आ जाएगा पैरेलोग्राम कि पैरेलोग्राम की साइड्स हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आया दिस एम्प्लाइज ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी बी टू ए बी चारों साइड्स इक्वल आ गई एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल सारी साइड्स क्या आ गई इक्वल आ गई देयर फोर ए बी सी डी इज अ रोम्बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से रिजल्ट से हमें आगे की तरफ प्रोसीड करना है।